इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे साइन कर सकते हैं किसी कस्टम इवेंट को तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी पास आउटपुट था तो यहाँ पे मैंने बीपी मतलब जो मेरा था उसको नाम BP, दे शॉर्टकट नेम और क्रिएटेड उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है जो ऐप की एच है यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया तो हम सिंपल भी कर सकते हैं जो जिससे मैंने सर्वर क्रिएटेड रखा हुआ है और इस तरह भी कर सकते हैं हमको ये साइन कर सकते हैं वैल्यू तो यहाँ पर इसको अगर हम ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट था कि हमने चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन की है तो इसके लिए हम एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसको प्रॉपर किया कैसे तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास इस तरह था कि चाइल्ड था ये जो सर्वर कंपोनेंट है यहाँ से मैंने डेटा इसका भेजा जो सर्वर का नेम और कंटेंट आ रहा था यहाँ पे मैंने एमिट कर दिया ऑन एड सर्वर पे तो यहाँ पर जब मैं उसे ऑन एड सर्वर पे क्लिक करती हूँ ये मेरा फंक्शन है इस इसपे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये एमिट करता है जो न्यू सर्वर आता है और न्यू नेम आता है और ये एमिट करता है इवेंट एमिटर को तो इवेंट एमिटर जो है ये सर्वर क्रिएटेड है और ब्लू क्रिएटेड है तो ये यहाँ पे जाता है ऐप कंपोनेंट के एच डी एमएल यहां पर जाता है और यहाँ पर ये रिसीव करता है इसको जो ऐप एच है इस तरह करके रिसीव करता है इस इवेंट के अंदर हमारे पास डेटा आ जाता है फिर वो लिस्ट में पुश करता जाता है तो ये हमने यूज किया था कि हम चाइल्ड टू पेरेंट जो है कैसे कम्युनिकेशन करते हैं मतलब चाइल्ड जो है वो डेटा भेजता है पेरेंट को पेरेंट उसे रिसीव करता है और हम असाइन कैसे कर सकते है, तो तो हैं एलिस किसी भी इवेंट को फिलहाल इस वीडियो में है नेक्स्ट वीडियो में है